गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 4 कर रहे थे जिसका नाम था प्रोनाउन। इसका हमने हाफ चैप्टर कर लिया था यहाँ तक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर तक। अब इसके आगे हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर वर्ड्स लाइक दैट, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दे आर यूज टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। इनका यूज़ हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं पे हमें दे रखा है, कोई भी सामान दे रखा है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ योर बुक, दिस, यह तुम्हारी किताब है। तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? किताब के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दिस जो है वो हमें किताब को पॉइंट आउट कर रहा है। दीज आर पेंसिल्स, दैट इज़ मोबाइल। वो पेंसिल्स हैं, वो किताब, वो मतलब पेंसिलें हैं, या दैट इज़ मोबाइल, दैट इज़ अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। तो इसमें क्या हम चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स हमारे चीज़ों को पॉइंट आउट करें, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करें, वो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर वर्ड्स लाइक वॉट, विच, वू, वूज एंड वूम। मतलब कि इसमें हम इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा बन रहा हो, क्वेश्चंस जिसमें बनते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, इसमें व्हाट आ गया ना आगे, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और इसमें हमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है लास्ट में। वो इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये भी हमारा इसमें क्वेश्चन बन रहा है। तो ये हमारे जिनमें क्वेश्चन बने, जिन प्रोनाउंस में, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस। दीज आर वर्ड्स लाइक माइन, हीज, हर्स, इट्स, योर्स, अवर्स एंड देयर्स। एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ माइंड, दैट इज़ योर्स। मतलब कि इन, ये सारे जो यहाँ पे वर्ड्स हों वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन वाले, तो सेकेंड वाले जो हैं इसमें वो यूज़ किए गए, माइन, हीज, हर्स, ही, शी का हर होता है, ही का हीज होता है, इट का इट्स होता है, तो उनके ही ये सेकेंड वाली फॉर्म है। जिसमें ये सेकेंड वाली फॉर्म्स आती हैं वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नेक्स्ट है। दीज आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि हमारे सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट को बता रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट के सेंटेंस के बैक के बारे में बोल रहा हो, उसको रेफर कर रहा हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दे रखा है, रोहित विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। रोहित के बारे में बोला, ये हमारा सब्जेक्ट है, रोहित के बारे में बोला जा रहा है कि वो अपना काम खुद कर लेगा। विल वर्क, डू हिज वर्क, तो इसी मतलब सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है ना वो, तो वो जो जो वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट को रेफर करें वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। चूज द राइट प्रोनाउंस फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिस बिलोंग्स टू मी, मतलब दिस बिलोंग्स टू मी, यह मुझे बिलोंग करता है। ये दिस मतलब दिस के बारे में बोला जा रहा है। इट इज़ माइन, ये मेरा है। दैट इज़ वन, दैट वन इज़ योर्स, और वह तुम्हारा है। इसमें हमारे इन्हीं प्रोनाउंस का, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पोजेसिव और फ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करके इन सेंटेंस को हमें इन फिलअप्स को करना है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। दीज आर प्रोनाउंस विच आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड रेफर बैक टू नाउंस गोइंग बिफोर दैम। जो प्रोनाउंस हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और रेफर बैक टू नाउंस, और नाउंस के बारे में बोल रहे हों, वो जो हमारा नाउन होता है उसके बारे में, उसको रेफर कर रहे हो, तो वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ सेंटेंस दे रखे हैं कुछ, दिस इज द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है हमारा? नाउन है, तो नाउन के बारे में बोल रहा है ना, यहाँ पे रेफर कर रहा है, दिस इज़ द हॉस्पिटल, यह एक हॉस्पिटल है। नाउन के बारे में ये हमारा दिस रेफर कर रहा है, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आई वॉज बॉर्न इन द, इन दिस हॉस्पिटल, मैं इस हॉस्पिटल में बॉर्न। हॉस्पिटल जो है वो नाउन है, नाउन के बारे में ही बोला जा रहा है इसमें। दिस इज़ द हॉस्पिटल इन विच आई वॉज बॉर्न, मतलब एक सेंटेंस को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। द सेंटेंस वन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू सेंटेंसेस। वन जो है वो फर्स्ट टू सेंटेंसेस का, दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। हाउ वॉज द कॉम्बिनेशन मेड, कैसे बनाया गया है ये? द वर्ड हॉस्पिटल इज रिपीटेड इन टू सेंटेंसेस। हॉस्पिटल जो है वो दो सेंटेंसेस में रिपीट हो रहा है। वी रिप्लेस द वर्ड हॉस्पिटल इन विद विच सिंस
विच इज इन विद विच, मतलब विच से हमने उसे रेफर कर दिया, मतलब हटा दिया। यहाँ पे हम चाहते तो दो बार हॉस्पिटल लिख सकते थे, ठीक है, तो उसकी जगह पे हमने विच लगाया है। तो जो विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन हॉस्पिटल, नाउन की जगह पे हमने क्या किया, विच का यूज़ कर लिया है। इट इज़ अ प्रोनाउन, तो ये एक प्रोनाउन है। एंड सिंस इट शोज द रिलेशन बिटवीन द टू सेंटेंसेस, इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। और क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के बारे में रिलेशन बता रहा है तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसलिए। लेट अस रीड अ फ्यू मोर सच सेंटेंस, उसी की तरह हमें एक और सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है। दिस इज़ द स्टूडेंट, सॉरी, सी इज द स्टूडेंट, सी वॉन द प्राइज यस्टरडे। तो हमारे दो सेंटेंस हो गए, अब इन दोनों को मिलाकर हमें पता है यहाँ पे सी इज़ द स्टूडेंट, वो वॉन द प्राइज यस्टरडे। यहाँ पे दो बार हम स्टूडेंट का यूज़ ना करके यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन का। इन दिस एग्जाम्पल वो इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, जो यू वो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। सम अदर रिलेटिव प्रोनाउंस आर वूम, वूज एंड वॉट, ठीक है। तो और अदर रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो है वूज, वूम और वॉट है। दिस इज़ द कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अप्रोप्रिएट जो भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे यूज़ करके हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है। दिस इज़ द ग्रीन अम्ब्रेला, दिस ग्रीन अम्ब्रेला वॉज यूज इन दिस इन द फिल्म। तो यहाँ पे दिस इज़ द ग्रीन अम्ब्रेला, इट वॉज यूज इन द, यहाँ पे दोबारा अम्ब्रेला का यूज़ ना कर, अम्ब्रेला वर्ड को ना लिख कर हमने यहाँ पे इट का यूज़ किया, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से इसके बाकी के सेंटेंसेस भी करने हैं। नेक्स्ट है सम अदर प्रोनाउंस, वर्ड्स लाइक एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नन, नोवन, नथिंग, समबडी, समवन, समथिंग एंड ऑल आर ऑल्सो प्रोनाउंस। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी हमारे प्रोनाउंस ही हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस फ्रॉम दिस गिवन अबव। तो इन्हीं में से हमें जो ऊपर जो प्रोनाउंस दे रखे हैं इन्हीं में से हमें यूज़ करके इन सेंटेंस इस इन फिलअप्स को फिल करना है। आई कैनॉट फाइंड माई पेन, एनी बडी हैज स्टोलन इट, वो पूछ रहा है मैंने अपना पेन नहीं देखा कि किसी ने चुराया है उसे। तो यहाँ पे हम एनी बडी का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें इसमें सारे के सारे सेंटेंसेस को करना है। ये कॉपी में करवा चुकी हूँ मैं, दोबारा कहा था किसी ने कि मैम समझ नहीं आया इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है।